नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा नौवीं की 27 जुलाई की वर्कशीट आपके पास लेकर आए हैं। ये वर्कशीट की वीडियो पहले बन गई थी, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम डाल नहीं पाए थे। वर्कशीट नंबर 10 है ये, इसको बहुत अच्छे से देखना। ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड करना समीकरण के बहुत काम आते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक को गुणनखंड करना बहुत आराम से ध्यान से देखना, इसको पक्का देख लेना और कंप्लीट देख लेना, और इसे प्रैक्टिस भी करना। बिना प्रैक्टिस किए ये आपको आएगी नहीं। ये क्वेश्चन आप सारे सोल्व करके देख लेना, उसके बाद एग्जांपल वाले ये हम आपको सोल्व करवा लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है p² + 6p + 8, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाती है तो वो आपकी हेल्प के लिए होती है, ताकि हम आपको अच्छे समझा सकें। इसलिए ये ना देखें कि वीडियो कितनी लंबी है। ये हमें सोल्व करना है, इसको हमें गुणनखंड करना है। p² + 6p + 8 गुणनखंड करने में आपको ध्यान रखना है, इसको पहले मानक रूप से कंपेयर कर लो, ax² + bx + c। ठीक है, देखो मानक रूप यहाँ पे वर्कशीट में आपके पास px² + qx + r दिया हुआ है। कोई भी मान लो मानक रूप में कोई दिक्कत नहीं है। ABC को यहाँ PQR मान रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने वैसे ABC से ज़्यादा बच्चों को सिखाया है, तो अल्फा बीटा मान लेते हैं, इसके शून्यक मान लेते हैं। तो ऐसी दो संख्या हमें छांटनी है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाए, क्यों आ जाए, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कितना आना चाहिए 6, और अल्फा बीटा क्या आ जाए, पी आ जाए। अल्फा बीटा यानी दोनों संख्याओं की गुणा क्या आनी चाहिए, पी आर, या आप ऐसी बोल दो अगर ये वाला मानक रूप मान रहे हो तो। ठीक है, और दोनों संख्याओं का जोड़ कितना आना चाहिए, बी आना चाहिए, बीच वाली संख्या। देखिए हमारे पास समीकरण क्या है, p² + 6p + 8 है। अब ध्यान रखना यहाँ पर एक ही जगह क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो उसको 1 मानेंगे। ठीक है, बी की जगह कितना है, 6 है, और सी की जगह कितना है, 8 है। ठीक है, अब हमारे पास दो संख्याएं ऐसी माननी है कि क्या आ जाए, जोड़ कितना आ जाए, 6 आ जाए, और दोनों संख्याएं गुणा यानी अल्फा बीटा गुणा कितनी आ जाए, AC आ जाए। बता था ना, ACPR 1 × 8, तो 8 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या आ जाएंगी, 4 और 2। देखो जोड़ोगे 4 + 2 कितना आ गया, 6, और गुणा करोगे कितना आ गया, 4 × 2 = 8 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा सोच के आपको संख्या को पता करना है। ट्रिक मैंने बता दी आपको। ठीक है, बीच वाली संख्या जो बी होती है वो जोड़ होता है, और ए और जो सी होता है वो आपका गुणा होनी चाहिए दोनों संख्याओं की। अब 6p को तोड़ देते हैं, जो आपने माना था उसी में तोड़ेंगे। 4 + 2 लिख लेते हैं, और 8 को 4 × 2। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना आप। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4p + 2p, ये 4 × 2। अब कॉमन लेने का काम रह गया, पी कॉमन ले लेंगे, पी स्केयर था तो पी रह जाएगा, यहाँ पे पी कॉमन ले लिया, 4 रह गया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते। देखो ऐसा कॉमन लेना होता जो p + 4 ही बचा दे आपके पास। ठीक है, क्योंकि वापस फिर p + 4 कॉमन आ जाएगा, तो ऐसा कॉमन लेना होता आपको ध्यान रखना। p + 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे p बच गया, और यहाँ पे p + 4 कॉमन लेंगे तो +2 बच जाएगा। ठीक है, 2 गुणनखंड हो गए, बस इनको वापस गुणा करोगे तो वही आ जाएगा आपके पास समीकरण, p² + 6p + 8। ठीक है, ऐसे समीकरण करना है। अब स्पीडली देख लेते हैं क्वेश्चन को, अब प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को, स्पीडली कर लेते हैं ताकि वीडियो आपकी लंबी ना जाए। तो दोनों दो संख्याओं गुणा जोड़ कितना आना चाहिए, -10। देखो माइनस भी साथ में लेनी है, एक बार ध्यान रखना। दोनों संख्याएं गुणा कितनी आनी चाहिए, 21, और ए क्या है, 1 है, 21 × 1 यानी 21 आनी चाहिए। तो छांटो दो संख्याएं ऐसी, क्या हो जाएगी ऐसी दो संख्याएं, 7 और 3 होगी। अब ध्यान ये देना आपको, अगर आपने 7 और 3 ही लिख लिया, मान लिया 7 और 3 लिख लिया, अब 7 और 3 को जोड़ो कितना आया, 10। हमें तो -10 चाहिए ना, तो क्या लेंगे हम, -7 और -3 लेंगे, ताकि -10 आ जाए। ध्यान रखना इस चीज़ का आपको, माइनस और प्लस का भी गुणा करेंगे तो वैसे माइनस माइनस प्लस होगी, 21 आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, जोड़ और गुणा।
अब अंदर वाले को तोड़ लेते हैं उसी में जो हमने माना था, माइनस माइनस सात और माइनस तीन लिख सकते हैं माइनस दस को, ऐसे ही इक्कीस को क्या लिख देंगे, माइनस सात गुणा माइनस तीन। अब क्यू अंदर मल्टीप्लाई चला जाएगा, क्यू स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस सात क्यू माइनस का तीन क्यू, अब माइनस सात गुणा माइनस तीन। अब कॉमन लेने वाला काम रह गया, कॉमन ले लेते हैं, क्यू कॉमन आ गया, क्यू बच गया यहाँ पे, यहाँ क्या बच गया माइनस सात। यहाँ पे देखो ध्यान से कॉमन लेना है, क्यू माइनस सात ही रहना चाहिए आपका, माइनस तीन कॉमन तो क्यू रह गया, माइनस तीन कॉमन क्यू माइनस सात रह गया, क्यू माइनस सात वापस कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया क्यू, और यहाँ क्या बच गया माइनस तीन। ठीक है, गुणनखंड आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस पाँच एक्स माइनस छत्तीस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, दोनों संख्याओं को जोड़ के आना चाहिए पाँच, और दोनों संख्या गुणा के आना चाहिए माइनस छत्तीस, और एक्स के साथ में कुछ भी नहीं है तो उसको एक मान लेंगे, एक तो माइनस छत्तीस आना चाहिए, जोड़ पाँच और गुणा कितनी माइनस छत्तीस। तो ऐसी दो संख्या छाँटो, सोचो जोड़ के आना चाहिए, तो नौ और चार होगी, नौ चौक छत्तीस, लेकिन अब ये देखना कि प्लस की होगी माइनस की, तो प्लस का नौ होगा माइनस का चार, ताकि पाँच आ जाए, प्लस नौ माइनस चार की मल्टीप्लाई करोगे माइनस छत्तीस आ जाएगा। अब बीच वाली संख्या को जो बी है आपको उसको तोड़ना, आपको प्लस नौ और क्या लिख देंगे, प्लस नौ और माइनस चार इंटू में एक्स, और माइनस छत्तीस को क्या लिख देंगे, प्लस का नौ गुणा में माइनस के चार। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया नौ एक्स माइनस चार एक्स प्लस नौ गुणा माइनस चार, एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया एक्स, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस का नौ रह जाएगा, यहाँ से माइनस चार कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा, और यहाँ से माइनस चार कॉमन लेंगे प्लस का नौ, एक्स प्लस नौ वापस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया एक्स माइनस चार, ये आपका गुणनखंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, टू टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस टेन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, जो टी के साथ में है, टी के साथ में क्या है माइनस है, तो वन भी होगा ना माइनस वन। अल्फा बीटा कितना होना चाहिए, माइनस टेन और गुणा में ए, ए कितना है दो, तो अल्फा बीटा कितना होना चाहिए माइनस बीस, और जोड़ कितना होना चाहिए माइनस एक, छाँटो दो संख्याएँ ऐसी, माइनस पाँच और प्लस चार आ गई। देखो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक गुणा करोगे तो माइनस पाँच और प्लस चार की माइनस का बीस, तो टू टी स्क्वेयर प्लस, अब देखो माइनस वाले को हम माइनस पाँच प्लस चार लिख देंगे इनटू में टी माइनस, अब ध्यान देना आपको इसको माइनस पाँच गुणा दो में ही तोड़ना, आपको माइनस पाँच गुणा चार में नहीं तोड़ोगे, वो बीस हो जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का पाँच टी प्लस का फोर टी माइनस का पाँच गुणा दो। अब कॉमन लेना का काम आपको बहुत ध्यान से करना है, देखो कॉमन नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो इसको आगे लिख लेंगे हम, टू टी स्क्वेयर प्लस का फोर टी आगे ले लिया, माइनस का फाइव टी पीछे ले गए। ठीक है, अब यहाँ पे टू टी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे टी रह गया, वहाँ पर से क्या रह गया, टी तो कॉमन चला गया ना, कॉमन लेने का मतलब होता है फोर टी बाई टू टी, ये ध्यान रखना आप, माइनस पाँच कॉमन ले ले क्या रहेगा टी, यहाँ से माइनस पाँच कॉमन हो गए तो प्लस का दो रह जाएगा, टी प्लस टू वापस कॉमन आ गया, यहाँ के टू टी रह गया, यहाँ पे माइनस पाँच, तो ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, यहाँ पे आपको कॉमन ध्यान से लेना है,